अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 03024489001। लाहौरी स्टेट के प्लेटफॉर्म से आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो DHA बहावलपुर की बैलेटिन के ऊपर है। मेरे साथ हैं सईद रफीक साहब जो लाहौरी स्टेट के प्लेटफॉर्म से DHA बहावलपुर में डील कर रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम अस्सलाम। सईद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारक हो जो 31 जनवरी को DHA ने एज पर कमिटमेंट जो है वो बैलेटिन कंडक्ट कर दी है। आपको आप इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। DHA बहावलपुर ने बैलेट अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 31 जनवरी को मुकम्मल कर दिया, लोगों को प्लॉट नंबर अलाट कर दिए। इसमें तमाम मेंबर जिनके प्लॉट्स निकले हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। सर जी, आप मुझे बताइएगा कि DHA ने जो अभी मैप रिलीज़ किया है उसमें जस्ट ABC का किया है, जबकि जो उन्होंने बैलेटिंग की है उसमें मजीद और भी ब्लॉक्स हैं जिन जो वो बैलेटिंग लिस्ट में डिस्प्ले किए हुए थे, तो अभी उन्होंने सिर्फ 3 ब्लॉक्स का मैप दिया है। अब क्या समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो DHA ने यूज़ की है ये बहुत अच्छी है और इस पर कुछ रोशनी डाली है? तो जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। अच्छी है या बुरी है तो आने वाला टाइम तय करेगा। बाकी इसमें जिन लोगों के AB में प्लॉट्स निकले हैं, कनाल के C में निकले हैं 10 मरलों के, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा उन सब के लिए। और जो बाकी के ब्लॉक्स उन्होंने दिए ये हमारे लिए एक सरप्राइज ही है। और अब वो आ गए हैं तो अब उसमें सेल परचेज कैसे होगी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी फिलहाल ABC पे बात कर लेते हैं। ABC में जो प्लॉट्स हैं, AB में कनाल दिए हैं और C में 10 मरला दिए हैं मोस्टली, और A में 2 कनाल भी अवेलेबल है और A के एडजस्टिंग ही जो नक्शे के मुताबिक है वो विलास हैं वहाँ पे, तो उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है तमाम ब्लॉक्स की। बाकी इसको क्लैरिटी जो है ब्लॉक्स की वो कुछ अरसे में मज़ीद जैसे जैसे ये इसकी कुछ लोकेशंस की पिक्चर्स क्लियर होगी हमारे लिए सबके लिए, तो वो फिर उस पर मज़ीद बात कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि जिनके ABC में प्लॉट्स आए उनको बहुत बहुत मुबारक। सही सही भी दोस्तों, मुझे बताइएगा ABC में जो हमने वहाँ विजिट किया है फिजिकली, आप भी गए हैं, और डेवलपमेंट की वहाँ क्या सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा काइंडली जी नाजिम को बताइए। तो पहले भी हमारी लाहौरी स्टेट की टीम इसमें ऑन ग्राउंड जाके काफ़ी वीडियोज़ आपके साथ भी जाके हमने शूट किए, उसमें शेयर भी की लोगों से, तो उसमें डेवलपमेंट के हवाले से तो काफ़ी सारी ऑन हुए। आपने क्वेश्चन किया, बता देता हूँ। इसमें ए में आप कह सकते हैं ए ब्लॉक में कोई 50% से ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, रोड ड्रॉ हो चुके हैं काफ़ी सारे रोड, आप गूगल मैप पे भी जाएंगे तो आपको नज़र आएंगे। उसके बाद बी ब्लॉक में भी काफ़ी डेवलपमेंट है और सी में भी काफ़ी हद तक, यानी ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 50% से ऊपर डेवलपमेंट हो चुकी है। होपफुली उसको हम ऑफिशियली तौर पर नहीं कह सकते कि वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। DHA बहावलपुर इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है कि अभी आपके डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं हुए और वो आपको डिलीवर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। होपफुली ABC मेरा ख्याल से मई जून में इस पोजीशन पे होगा कि आप स्ट्रीट टू स्ट्रीट विजिट कर सकें। एग्जैक्टली पोजीशन शायद थोड़ी बहुत आगे हो जाए, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ DHA से कि 2019 दिसंबर पोजीशन में अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। सर भी जो वहाँ पे विलास बन रहे हैं जो कि हमने देखे हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, आप उन पे भी रोशनी डालिएगा क्योंकि उसकी बहुत जो हमने क्वांटिटी देखी है अराउंड कोई 60-80 के करीब विलास हैं जो DHA हैंड ओवर करने जा रहा है या कंप्लीशन के नज़दीक है। जब उसको पोजेशन दे दिया जाएगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा उन डेवलप ब्लॉक्स के अंदर कि लोग उस तरफ अट्रैक्ट होंगे जब वहाँ पर लिविंग होना शुरू हो जाएगी। जी यकीनन आएगा उसमें विलास का सिर्फ नहीं, बाकी जो प्लॉट्स वहाँ पे डेवलप होंगे और वहाँ पे पोजेशन आएगी तो वो बेसिक अब जो बात पूछना चाह रहे हैं उसमें क्योंकि ए ब्लॉक फेसिंग विलास जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तो वो सामने घर बने हों एग्जैक्ट और लिविंग हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा, मगर विलास जो है वो 2 कनाल के सामने आ रहे हैं बिल्कुल ठीक, तो
उसमें ये बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल ये जस्ट ये एक दिन एज है नशे की, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में बताने में, ये बिफोर टाइम। सर भी अब हम शॉर्टली ये बताइएगा कि ए और बी ब्लॉक में वन कनाल की आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं कि होगी, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड आ रही है, लोग 32-33 पे इसको बाय करना चाहते हैं लोकेशन वाइज, तो अभी आप क्या समझते हैं कि क्या डिमांड एक्सपेक्टेड है, हो सकती है? ए और बी दोनों में इस वक्त अवेलेबिलिटीज जो हैं वो 40 लाख में है, यानी कि अगर कोई प्लॉट आप जनरल लेना चाहें, जनरल लोकेशन का कोई प्लॉट परचेज करना चाहें विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, अच्छी लोकेशन जनरल लोकेशन का प्लॉट आपको 40 लाख में मिल जाएगा, लोग डिमांड कर रहे हैं, ऑफर रिक्वायर्ड कर रहे हैं। और जो थोड़ा सा उससे नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट है वो 37-38 डिमांड पे है, और जो बायर्स की आपने जैसे भी बात किया जो ऑफर्स आ रही हैं हमें वो 32+ हैं, 32-35। अगर आप इस वक्त आज की डेट पे बॉटम सेट करना चाहें किसी भी चीज़ का, बायर अवेलेबल है 31.5 to 33-34 और जो सेलर अवेलेबल है 37 to onward 40। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि 40+ हैं, मगर कॉर्नर फेसिंग पार्क हैं, इस तरह की कोई चीज़ अभी तक सेल के लिए नहीं आई। सर जो प्लॉट्स नॉन डेवलप हैं जैसे आपने बताया कि जिनका भी मैप नहीं आया एबीसी के अलावा जो ब्लॉक्स हैं, आप क्या समझते हैं कि वो किस प्राइस पे फ्यूचर में ट्रेड होंगे? डी ई और एफ, ये ब्लॉक्स हैं जिसके हम रेट्स विद इन अ वीक या टू वीक में सेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। मगर जो बाकी ब्लॉक्स हैं जिसमें आप देखेंगे जे के प्लॉट्स आए हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। दूसरी बात, हमें एग्जैक्टली अभी लोकेशन मेक श्योर नहीं है ब्लॉक्स की, हमें कभी कहाँ पे आ रहा है कौन सा ब्लॉक, कब सारे क्लाइंट्स पूछ रहे हैं, कब सारे मेंबर्स पूछ रहे हैं, तो होपफुली इसका भी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जवाब देंगे, यकीनन देंगे। फिलहाल फौरी तौर पे हम उन ब्लॉक्स का कोई रेट या प्राइस सेटिंग कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे साथ हैं, क्लाइंट्स हैं हमारे, उन लोगों को हमने बाइंग की हुई, बेशुमार लोगों के प्लॉट्स जो है ना हमें जो अभी तक जो हमने थोड़ा सा लोगों को बैलेट रिजल्ट फ्राहम किए हैं उसमें कह लीजिए कुछ 60% ब्लॉक्स जो हैं वो वही हैं जी, बिल्कुल नॉन डेवलप ब्लॉक्स हैं, नॉन डेवलप ब्लॉक्स हैं, तो उसका आंसर हमारे पास फिलहाल नहीं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसका प्राइस, उसकी प्राइस हम अपने व्यूअर से शेयर करें। बिल्कुल सही। तो सर जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप समझते हैं कि इस पोजीशन में, इस स्टेज में हम अब नेक्स्ट DHA बावलपुर की जो फाइल्स हैं उसको रिकमेंड करेंगे या जो प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं हम उसकी तरफ जाएंगे? अगर हमारे पास लेट से कस्टमर्स आके आपसे पूछते हैं तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे इस वक्त? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं, मेरे नज़दीक अच्छी जो सेल परचेज है वो ब्लॉक्स पे ही हो सकेगी। सेकंड आएगा उसके अंदर जिसकी अभी आपने बात की ब्लॉक्स के जो प्लॉट्स हैं, अब वो लोकेशंस तय करेगी उनका रेट्स क्या होता है, फिर उसकी बारी आएगी। और उसके बाद आपकी वो जो फाइल है हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि जाहिर सी बात है हम DHA के साथ चलना है तो फिर सारे प्रोजेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। मगर सारी मार्केट बेस्ड करती है एंड यूजर पे, रेजिडेंस है जिन लोगों की ऑलरेडी, वो कदम बढ़ाएं और आगे आएं और वहाँ पे खरीदारी करें। उनका अपना शहर है, उसके अंदर DHA ने एक एफर्ट किया है जाके आपको वहाँ पे 2.5 से 3 साल में एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने की पोजीशन में आ गया, 10-10 साल लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो वो डिलीवर कर रहे हैं, इसको ऑन करना चाहिए। ये एक उनका बहुत ज़्यादा खुशाइन पॉइंट है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर भाई, आपने अपना टाइम निकाल के हमें हमारे व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है वो डेवलपमेंट की हो, वो डिस्कशंस की हो, वो हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस हो वो आप तक पहुंच सके। फिजिकली आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, लाहौर रियल स्टेट DHA फेज 6 में है, 46 MB कमर्शियल में। आप रेट्स की जो अपडेट्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.lahorrealestate.com पे। इसके अलावा हमारे थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स हैं जिनमें हम लोग डेली बेसिस पे रेट्स अपडेट करते हैं, जो नई इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑफिशियली तो आप काइंडली मैसेज कीजिए +92 322 492 992। आपके व्यूज़ देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।